हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे छूट यानी डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, मान के चलिए आपको एक पैंट खरीदनी है और उस पैंट का मूल है 1200 रुपये, और वहीं उस पर जो डिस्काउंट है यानी जो छूट है वो कितनी है, 30% है। तो फ्रेंड्स, आपको कितने रुपए पे करने होंगे ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, छूट ज्ञात करेंगे यानी सबसे पहले हम छूट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, छूट कैसे निकालते हैं, जितना मूल होता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, यानी मूल है 1200 तो 1200 लिख दिया और छूट है कितनी, 30%। तो यहाँ 30 से क्या कर देंगे, गुणा, और परसेंटेज निकालने के लिए फ्रेंड हम 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 120 की जो गुणा है वो करेंगे 3 से। तो 120 तिया 360, यानी हमें जो छूट मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 360 रुपए। फ्रेंड्स, 1200 रुपए की पैंट थी और उस पर 360 रुपए की छूट मिली, तो आपको कितने रुपए देने होंगे, यानी आपने वो पैंट कितने में खरीदी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 1200 में से ये छूट हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1200 में से 360 माइनस करोगे तो ये बचेगा 840, यानी आपको उस पैंट का कितना पे करना है, तो 840 रुपए पे करना है। भाई फ्रेंड्स, दूसरा एक ऑप्शन और लिया जाए, मान के चलिए हमें एक शर्ट खरीदनी है और उस शर्ट का जो मूल है वो कितना है, शर्ट का मूल है 600 रुपए और उस पर जो छूट है वो कितनी है, तो छूट है 20%। तो फ्रेंड्स, वो पैंट आप खरीदेंगे तो आपको कितना पे करना है। तो फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, आप छूट निकालेंगे। छूट कैसे निकालते हैं, यानी जो भी हमारा मूल्य है वो लिखेंगे और जितनी छूट है उससे कर देंगे गुणा और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 60 दूनी 120, यानी आपको जो छूट मिलेगी कितने रुपए की मिलेगी, 120 की। अब 120 आप ये मूल्य में से माइनस कर देंगे तो आप ये चीज कितने की खरीदेंगे, तो आप खरीदेंगे 600 माइनस 120 यानी 480 रुपए की आप खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।